गाइज, कुछ दिनों पहले मैंने अपने लिए कोबरा लैब्स के द बुल मास गेनर के 10 पैकेट्स जियो मार्ट से ऑर्डर किए थे, जो कि मुझे डिलीवर हुए हैं इस पैकेजिंग में। पैकेजिंग बहुत ही खराब कंडीशन में नजर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, बॉक्स यहाँ से खुल चुका है और इस साइड से भी बॉक्स पूरी तरह से फट गया है। अभी सबसे पहले तो मैं इस बॉक्स को ओपन करूंगा और मास गेनर के पैकेट्स को काउंट करूंगा कि एग्जैक्ट 10 पैकेट्स डिलीवर हुए है या नहीं, और मास गेनर के पैकेट्स की कंडीशन भी मैं यहाँ पे चेक करूंगा। गाइज, जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे पहली बार आए है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं कोबरा लैब्स के द बुल मास गेनर को एक महीने तक ट्राई करूंगा और इस एक महीने में मुझे जो भी रिजल्ट्स या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि आगे मास गेनर को कंटिन्यू यूज करना है या नहीं। गाइज, अभी मैं बुल मास गेनर को पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यूअसली और रेगुलरली यूज कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने मास गेनर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड की है। उन वीडियोस में हमने मास गेनर के रिजल्ट के बारे में बात की है, टेस्ट के बारे में बात की है, मिक्सेबिलिटी के बारे में बात की है और मास गेनर की अनबॉक्सिंग भी देखी है। गाइज, अगर आप बुल मास गेनर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो उन वीडियोज को एक बार जरूर देख लेना। उन सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज, इस वीडियो में हम बुल मास गेनर के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 4-5 महीनों के यूज में मैंने मास गेनर के कौन से मेजर साइड इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। मास गेनर के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और अपना एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गाइज, जब मैंने मास गेनर को लेना शुरू किया था तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मैंने ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया है। मास गेनर लेने के शुरुआती कुछ दिनों में पेट भारी भारी सा लगता है। ऐसा लगता है कि पेट में कोई चीज है जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। पेट हमेशा फुल और भरा भरा सा महसूस होता है। कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं करती। शरीर सुस्त हो जाता है। हमेशा आराम करने का मन करता है। हमेशा हमारा ध्यान हमारे पेट की तरफ होता है और इसी को ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम कहा जाता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे पेट और डाइजेशन पे होता है। जब भी हम मास गेनर लेना शुरू करते हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों में हमें ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही कॉमन है और ये कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआती दिनों में सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब भी हम पहली बार मास गेनर यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को उसकी आदत नहीं होती। हमारी बॉडी को मास गेनर के साथ मैच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब भी हम इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में एकदम से डालते हैं तो हमारा पेट उसे हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है और हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। पर जैसे ही हम मास गेनर को लेना कंटिन्यू करते हैं, हमारी बॉडी को इसकी आदत हो जाती है, तो 10 से 15 दिनों के अंदर ब्लोटिंग की ये प्रॉब्लम अपने आप पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सो गाइस, बस यही एक साइड इफेक्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है मास गेनर लेने के शुरुआती कुछ दिनों में, जो कि 15 दिन या एक महीने बाद अपने आप ठीक हो जाता है। इसके अलावा मैंने मास गेनर का कोई और मेजर साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं किया है। मास गेनर लेने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई हो या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा हो या मुझे बेड रेस्ट मिली हो, ऐसा अब तक तो नहीं हुआ है। इस बुल मास गेनर से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। इसी वजह से मैंने अपने लिए द बुल मास गेनर के 10 पैकेट्स परचेस किए हैं, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। गाइज, अब बात करते हैं मास गेनर के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में। मास गेनर लेने के पहले दिन से ही मुझे थकान कम महसूस हो रही थी, बॉडी पेन भी कम महसूस हो रहा था, मैं अपनी स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट महसूस कर पा रहा था, मेरी इंड्योरेंस पावर भी इम्प्रूव हो गई थी। मतलब पहले जब मैं 10 रेप्स करके थक जाता था तो अब 12, 15 और 20 रेप्स करने पर भी थकान महसूस नहीं होती थी। तो इस तरह से हम अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। मास गेनर की वजह से मेरी वस्कुलरिटी में भी काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। हाथों की नसें वगैरह काफी हद तक फूल जाती है, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। मास गेनर की वजह से पंपिंग भी बहुत अच्छी होती है और भूख भी बहुत अच्छी लगती है। सो गाइज, ये थे मास गेनर के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स। आशा करता हूँ गाइज कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। गाइज, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। गाइज, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। इन वीडियोस के जरिए मैं किसी को भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। आप ये वीडियोस देखिए, इन्फॉर्मेशन देखिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। गाइज, अगर आप मास गेनर को खुद से परचेस करना चाहते हो तो परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दिया गया है। मास गेनर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इन वीडियोस पे क्लिक कर सकते हो।